साथियों, हम लोग अभी सोमनाथ गौशाला जींद में आए हैं और यहाँ पर स्कूली बच्चे आज गोपाल अष्टमी के उपलक्ष्य में ये स्कूली बच्चे जो है सोमनाथ गौशाला में गौओं के दर्शनों के लिए आए हैं। और जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये बच्चे जो है काफ़ी खुश हैं गौ माताओं के बीच में आकर के। और इससे पहले कि हम लोगों ने अभी देखा कि कुछ देर पहले ये बच्चे गौ माताओं को गुड़ भी खिला रहे थे और फूलों की वर्षा जो है हम गौ माता के ऊपर कर रहे थे। तो बहुत अच्छा ये दृश्य है, आप देख पा रहे हैं। ये स्थानीय किसी स्कूल से ये बच्चे आए हैं और आप देख पा रहे हैं कि ये बच्चे जो है गौ माताओं को जो है स्वागत कर रहे हैं फूलों के साथ। और आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, अब मैं आपको गौशाला के अंदर का एक दृश्य दिखाता हूँ। देखिए, आज गौ माताओं भी ऐसा लगता है जैसे काफ़ी प्रसन्न है, बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न है गौ माता, आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए, सफाई कर्मचारी जो है अपनी पूरी तरह से अपने कार्य के प्रति लगनशीलता दिखाते हुए गौ के बीच का जो क्षेत्र की सफाई कर रहे हैं। और ये देखिए, ये स्थानीय स्कूल के किसी स्कूल से ये बच्चे आए हैं और ये गौशाला में गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में तो गौशाला का शायद भ्रमण करने के लिए इन्हें लाया गया है। और इनके साथ स्कूल का प्रबंधन भी आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए साथियों, ये देखिए, ये स्कूली बच्चे यहाँ पर आए हैं श्री सोमनाथ गौशाला में। गोपाष्टमी का ये कार्यक्रम है, उसको लेकर के इन स्कूली बच्चों को यहाँ पर शायद लाया गया है। इनके साथ उनके अध्यापक भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और स्कूल का प्रबंधन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आइए देखिए, तो साथियों, आज जैसे कि आपको पता है गोपाष्टमी है, गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में ये लोग जो यहीं आए हैं।